रोहतास से एक बड़ी ही शर्मनाक खबर आई है। लोग महिलाओं को माँ और बहन का दर्जा देते हैं, पर उसकी अहमियत को नहीं समझते। कड़े कानून के बाद भी महिलाओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला रोहतास जिले के डेहरी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां किराने की दुकान पर सामान खरीदने गई एक नाबालिग के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया है और इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद से इलाके के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। बताया जा रहा है कि 2 नाबालिग बहनें एक दुकान पर एक साथ सामान खरीदने गई थी, तभी 3 लोगों ने दोनों बहनों को किसी सुनसान कमरे में वो ले गए, जिसमें एक बहन का मुंह बांध दिया और दूसरी बहन के साथ यह वारदात की घटना को अंजाम दिया और सामूहिक दुष्कर्म किया। साथ ही साथ आरोपियों ने दोनों ही बहनों को यह धमकी दी कि अगर इस घटना के बारे में किसी को बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वहीं आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलने के बाद महिला थाने की पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी शुरू कर दी है। साथ ही साथ एएसपी संजय कुमार का कहना है कि नाबालिग के पिता के बयान पर दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है और फिलहाल मामले की जाँच हो रही है। वही में आवत रही थी रास्ता में है, बस हाथ खींच के अंदर घुसा दिया। फिर उसके बाद बेइज्जत किया। कितने लोग थे? 3 थे, 3 को। फिर 9 बजे बाद में निकल रहे थे, आके डरे हमें तो ना कर जो मम्मी जी से कहते, फिर दीदी से बात बताइए।